जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। भारत के नागरिक अगर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नहीं जानते तो जान लें कि वे एक बिहारी थे। भारत का संविधान एक बिहारी की देखरेख में बना है और देश के संविधान पर पहला हस्ताक्षर भी एक बिहारी का है। बिहार निर्माण के लिए डॉक्टर सिन्हा ने बिहार का अपना अखबार निकाला और बिहार टाइम्स से लेकर बिहारी तक और अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी अपने अखबार हिंदुस्तान रिव्यू के संपादन तक वो एक प्रतिबद्ध पत्रकार बने रहे। आधुनिक बिहार के निर्माण में पत्रकारिता सबसे सशक्त माध्यम बनी। जो ये नहीं जानते वो जान लें, और उन्होंने ये साबित कर दिखाया। एक काबिल बैरिस्टर, एक मूर्धन्य पत्रकार और एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में डॉक्टर सिन्हा का कद इतना ऊंचा रहा कि उन्हें देश की संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष बनाया गया। और जब देश का संविधान बनकर तैयार हो गया तब उनके दस्तखत के लिए संविधान को 1950 में पटना लाया गया। जिन्हें नहीं मालूम वो जान लें कि इस देश के संविधान पर पहला हस्ताक्षर संविधान बनाने वाली सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का है। जो नहीं जानते वो जान लें कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने तब उन्होंने सबसे पहले चरण स्पर्श करके जिनका आशीर्वाद लिया वो डॉक्टर सिन्हा थे। डॉक्टर सिन्हा ने अपने बिहार को खोने की पीड़ा को इतनी शिद्दत और गहराई से महसूस किया कि उन्होंने बिहार को बंगाल और अंग्रेजी हुकूमत से लड़कर वापिस लिया। डॉक्टर सिन्हा को अपने बिहारी होने पर इतना गुमान था कि उन्होंने अपने आखिरी भाषण में ये कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है देश की संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष एक बिहारी है।